वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन। नई सुबह नए मेहमान, नई सुबह नए मेहमानों के साथ। जैसा कि आपको पता है, रोज़ाना नया टैलेंट होता है या कोई ना कोई आर्टिस्ट आपके साथ होता है। और आज भी ऐसे ही मेरे पास एक टैलेंट कह सकते हैं, एक आप सबके लिए बेस्ट गाइडर कह सकते हैं, क्योंकि शो शुरू होने से पहले मैंने तो बड़ी उनसे भाई टिप्स ले ली। तो मैंने सोचा क्यों ना आप भी, जितने मेरे फैंस हैं, व्यूवर्स हैं, उनको उनसे भी मिलवाऊं इनको, और आप भी भाई टिप्स लें। टिप्स से तो आप समझ गए होंगे भाई वो कौन है, क्या करते हैं, या सस्पेंस रखूँ, लेकिन बता देती हूँ भाई वो, बल्कि वो खुद अपने मुँह से बताएंगे भाई उनका इंट्रोडक्शन क्या है। बस उनका हम सिर्फ नेम बताएंगे भाई। सिफ्तैन हारून हमारे साथ मौजूद हैं, तो वेलकम करते हैं उनको तारा तारा शो पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई ये हैं सिफ्तैन हारून, क्या टिप्स लिए भाई आप? तो इनकी बॉडी के हिसाब से देख के समझ गए होंगे कि कोई ये जिम शिम करते हैं। बेसिकली ऐसा ही है, मैं एक फिटनेस कंसल्टेंट हूँ और एक प्रोफेशनल एथलीट भी हूँ, जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं जाके। माशाल्लाह। तो इट्स बीन लाइक 4 ईयर, मैं काफ़ी सारे लोकल और इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, और 4 ईयर बैक भी मैं एशियन चैम्पियनशिप में पाकिस्तान को हमारा कौमी पर्सन। अच्छा, लाइक मैं कह सकती हूँ सिप्तैन और मेरी जो फील्ड है थोड़ी मिलती जुलती है स्पोर्ट्स के। ऑलमोस्ट सिमिलर। बाइक्स का भी कुछ स्पोर्ट्स में आ जाता है। कम्स इन अ स्पोर्ट्स। सही है, बिल्कुल ठीक है, सही है। थोड़ा मुझे फिर खुशी हुई ज्यादा थोड़ी नहीं ज्यादा। तो अच्छा मुझे ये बताएं सिप्तैन, आपको ये शौक कैसे हुआ, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और यही क्यों? अच्छा, फिटनेस एक बड़ी मुख्तलिफ फील्ड है। इसको चुनना जो है अपने जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए और अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बहुत सारे लोग अपनी फिटनेस को लेके चलते हैं। तो एक यही शौक था जिसके लिए मैं आगे बढ़ा, और इंस्पिरेशन अगर बोली जाए इसमें मेरी हमारे बहुत मशहूर नामी गिरामी एक बॉडी बिल्डर हैं आतिफ अनवर, जो कि लास्ट ईयर प्रो कार्ड भी उनको मिला था, और बहुत मशहूर हैं वो बॉडी बिल्डिंग फील्ड से और कंपटीशन से रिलेट करते हैं लोग, वो बहुत अच्छी तरीके से इनसे वाकिफ होंगे। ओके। तो वो मेरी इंस्पिरेशन थी पहली, तो उनको देख के आहिस्ता 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 तो मैं फिटनेस में आता गया, और आई हैव डन माई सर्टिफिकेशन और वो सारी स्टडीज़ कम्प्लीट करना और फिर खुद स्टेज पे उतर के परफॉर्म करना, वो वहाँ से इट्स वेरी डिफिकल्ट बट इट्स रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बताएं कि आपकी तो इंस्पिरेशन आपने बताई, आप किस किस की इंस्पिरेशन है? ये एक बड़ा पेचीदा सवाल है, क्योंकि इंसान जब एक मुकाम तक पहुंच जाता है वो बहुत सारे लोगों की चॉइस होता है, वो उसको लोग बहुत फॉलो करते हैं, बहुत मोहब्बत देते हैं, सराहते हैं। तो ये एक काफ़ी एक अच्छा वाइज होती है कि आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपको लोग पसंद करते हैं। डेफिनेटली आपको मिलते होंगे लोग तो आपकी बॉडी को देख के ये कहते होंगे कि यार ये एक बॉडी बिल्डर कह सकते हैं। जी ऐसे कह सकते हैं, बॉडी हम भी इसकी तरह बने जैसे इसकी बॉडी है, वॉइस खास तौर पर। हां यूजुअली यही होता है, वॉइस जो बिल्कुल जो है ना, लोग कहते हैं भाई तुम तो हैंगर हो, वो आपको ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल बिगनर भी आके बोल रहे होते हैं बस यार हमने आपके जैसी बॉडी बनानी है, बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आपको बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। सेक्रीफाइस एज इन के आपको बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस रहना है, आपको इवेंट्स नहीं फॉलो अप कर सकते, नहीं जा सकते, लोगों के साथ घुलना मिलना, आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट और इसमें बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। और आप इतना, मैंने अभी जूस मंगवाया, मैं ये लाइव पे बता रहा हूँ मैंने इनके लिए शेक मंगवाया, तो बोला नो मैं तो नहीं पीता, मैं डाइट पर हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा बस जस्ट टेस्ट। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी गुजरती है। मैं शॉक थी कि ऐसे हम कैसे रह सकते हैं, बिरयानी आए हाय कितनी चटपटी चीज़ें होती हैं, और आप जो है कैसे इन चीज़ों से दूर। बेसिकली यही सबसे अहम और ज़रूरी स्टेप हैं फिटनेस के, कि आपको वो चीज़ें खानी हैं जो आपको खूबसूरत बना सकें, आपकी बिल्ड को बेहतर कर सकें। तो इसी के हमें रिलेटेड रहना पड़ता है, हम कुछ भी नहीं खा सकते। हाँ ब्लूम्स एंड मून हम खा लेते हैं सैटरडेज, इसका मतलब अभी आपने मेरे शेक नहीं पिया वैसे आप खा लेते हैं।
आई एम वेटिंग फॉर माय डे, जब वो आएगा चीट मील करूंगा मैं सैटरडे संडे ऐसे ही ऑलमोस्ट। तो बस फिर हम आपको सैटरडे संडे दावत देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस पूरा आप हफ्ता डाइट पे रहे, सैटरडे संडे आपने कुछ नहीं खाना, हमारे साथ खाना। तो भाई ये है सिप्तैन, इनकी स्टोरी भाई, कौन कौन सेक्रीफाइस कर सकता है, बिरयानी कौन छोड़ सकता है, रायता आए है सही, बस सलाद जो है आपको मिलेगा वो जो है यही होता है क्या, ग्रीन सैलेड, प्रोटीन्स में फिश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं, और तो ये सब चीजें जो किसी को नहीं पसंद होती। ऐसे ही है, बहुत लोग मीट से दूर भागते हैं, बस ये जो हमारे स्नैक वाले आइटम होते हैं, फ्राइज हो गए, चिप्स हो गए, नाम ले रहे ना, मेरी शक्ल ऐसे ऐसे बन रही है कि मीट नहीं खा, मीट खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, और एग कौन खाता है, पता नहीं कौन खाता है, मैं तो मुझे नहीं अच्छा लगता। ऐसे ही है। तो सुबह नाश्ते में आप क्या खाते हैं? बेसिकली ये डिफरेंट डाइट्स अप्लाई होती हैं डिफरेंट लोगों के लिए। अगर मैं एज अ प्रोफेशनल अपनी डाइट बताऊंगा तो इट्स वे डिफरेंट फ्रॉम द अदर, क्योंकि आप में ये होता है कि एक आम बंदे की डाइट को दूसरे बंदे से कंपेयर नहीं कर सकते। फिर भी मैं आपको बताता चलता हूँ कि हम लोगों को वाइट ओट्स खाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों को एग वाइट्स खाने पड़ते हैं, योग भी नहीं खा सकते हम लोग क्योंकि वो फैट उससे कंटेन होगा। तो डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा ऑफ सीजन चल रहा है या हम लोग फैट कम डाउन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर जो भी हम मीट कर रहे हैं वो फैटलेस हो, ऑयल फ्री फूड हो, इस तरह से लेके चल रहे होते हैं, तो कम्प्लीटली बॉइल्ड फूड और नो स्पाइसेस। कितने खुशी से बता रहे हैं कि खाते हैं ना, और हम इस तरह सुन रहे हैं जैसे ये क्या बता रहे हैं। बस ये खुशी नहीं है, ये अब हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है, मजबूरी बन, ये लाइफस्टाइल बन चुका है, मजबूरी कह सकते हैं। अगर आप ये सब चीजें नहीं खाते तो ये नहीं खाएंगे तो फिर ये होगा कि हम जिस स्ट्रक्चर में, जिस बॉडी को इतने सालों में मेंटेन किया, खूबसूरत बनाया, वो हम नहीं रख पाएंगे। इस खूबसूरती के लिए आप बिरयानी छोड़ रहे हैं, बस ऐसे ही है। और आप सैटरडे संडे सिर्फ ओनली ऑन सैटरडेज, सिर्फ वन डे इन अ वीक, वो भी एक मील खा सकते हैं। अच्छा, घर में डेफिनेटली खाना बनता होगा तो वो भी नहीं खाते होंगे आप? ऐसा ही है, हम लोगों के लिए डाइट भी अलग बनाई जाती है, बिल्कुल। वो हमारी वालदा हैं, वो बहुत सारी कुर्बानियाँ देती हैं, मैं अपनी वालदा को इस चीज़ पे ही सराहूंगा कि इट्स बीन लाइक 8 ईयर आई एम इनटू दिस फील्ड, और वो मेरे लिए खाना बनाती हैं सुबह, दोपहर, शाम का अलग से मील मुझे प्रिपेयर करके देती हैं। आज तक ऐसा लगता है कि मैं बच्चा हूँ स्कूल का, कि वो मुझे टिफिन डाल के देती हैं। अच्छा यार, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मदर्स की, पेरेंट्स की स्पेशली सपोर्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आपके पेरेंट्स सपोर्ट होते हैं, उनकी दुआएं होती हैं, तो आप बहुत आगे तक जाते हैं। डेफिनेटली मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स, और कुछ भी नहीं है, पेरेंट्स की दुआएं हैं, क्योंकि ये इंसान की मेहनत होती है लेकिन बैक सपोर्ट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बेसिकली इस फील्ड में, क्योंकि आपको इमोशनली टैकल करना, आपको डाइट से रिलेटेड, क्योंकि इसके लिए काफ़ी बजट चाहिए। एक इंडिविजुअल जो होता है इंसान, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आम बंदे की जो खुराक होती है, नखरे के लिए भी खर्चे चाहिए होते हैं, इसीलिए जो हमारे नखरे हैं ना, उनके लिए खर्चे चाहिए। आम बंदे की जो खुराक है पूरे महीने की 12-13 हज़ार की होगी, 15 हज़ार की होगी, हम लोगों की 50-60 हज़ार की होती है, इससे भी ऊपर चली जाती है। जैसे ये तो भाई, इसका मतलब ये शौक वो लोग पाले जो अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे ही है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो ना पाले, लगे रहना चाहिए इंसान, कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। ऐसा ही है, ये तो है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर मैं अपनी बात करूं, वेट गेन करना है, तो कोई टिप्स दें मुझे। बिल्कुल, हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आपकी बॉडी जेनेटिक्स क्या है, आपकी बॉडी टाइप क्या है। तो आप एक्टोमॉर्फ में आती हैं, जिसमें कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जो भी खाएंगे बहुत ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें फैट्स वगैरह की इंटेक ऐसे ही करेंगी कि ये नहीं कि हमने बिरयानी खानी है, हमने चिप्स खाने हैं, हमने समोसे खाने हैं, यहाँ से फैट्स कंटेन कर रहे, नहीं, हमें यहाँ पे होल एग खाने हैं, हमें यहाँ पे ओट्स खाने हैं, हमें यहाँ पे बीफ खाना है, हमें यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करना है जिसमें चीज़ वगैरह हैं, तो वो एक हेल्दी फैट्स होंगे जो कि आपको गेन करेंगे। मैं अपनी बात से वापस बुक करती हूँ, और मुझे वेट गेन नहीं करना, मैं ऐसी ही सही हूँ। और जिनको वेट लूज करना है, वेट लॉस के लिए ये एक बड़ा अहम नहीं, ये सबसे कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा। क्योंकि उन लोगों के लिए, क्योंकि इसमें होता ये है कि आपको बिल्कुल ऑयल फ्री फूड, फिर प्रोटीन के लिए आपको एग वाइट्स वगैरह खाने, बॉयल राइस वगैरह खाने, तो नो स्पाइस इन लाइफ,
ये वाला सीन है। चिकन मंचूरियन भी नहीं खा सकते गाइस आप, नहीं। सोच भी नहीं सकते आप। सोचने तो देना, सोचने से कौन सा वेट जो है, सोच भी नहीं सकते आप। सोचने से नियत बन जाती है और देखने से, देखने से फिर इरादे पक्के हो जाते हैं। ये तो बात सच्ची कही है इन्होंने। सोच नहीं सकते, सोचने से क्या होता है, नियत बन जाती है, और देखने से क्या होता है, इरादा पक्का हो जाता है। तो इसीलिए दूर दूर रहें आप इन चीज़ों से, अगर किसी को वेट लूज करना है जी। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपको कितना टाइम हुआ ये बॉडी स्ट्रक्चर में? और मेरा टोटल जो कैरियर है 8 साल का है। इसमें काफ़ी मैंने लोकल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया है। जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई थी कि आई जस्ट वॉन्ट टू बिल्ड अप माई 6 abs, ठीक है, बट वो 6 abs की जगह वो इंसान को हर चीज़ कम लगती है, ऐसा ही है। तो वो करते 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 नाउ आई एम हियर, इस तरह से हुआ। अच्छा मुझे ये बताएं, आप इंस्ट्रक्टर भी हैं तो क्लाइंट्स भी हैं, तो कैसे आपसे लोग रابطہ कर सकते हैं? अगर बेसिकली मेरे पेज भी है, मेरा इंस्टाग्राम भी है बाय द नेम ऑफ सत्यन हारून, तो उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। मेरी टीम भी लीड कर रही होती है, मैं पर्सनली भी मॉनिटर कर रहा होता हूँ, तो क्योंकि मेरे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं उसमें मशगूल होता हूँ पूरे दिन। तो आपकी टीम भी लीड करती है, आप खुद भी फैंस को रिप्लाई दे रहे होते होंगे जो ऐसे ही है। पर्सनली मैं खुद भी अकाउंट लीड कर रहा होता हूँ, मेरी टीम भी लीड कर रही होती है। ठीक हो गया। तो भाई जिस जिसको सिफतन जैसी बॉडी बनानी है तो गाइस जिस और नहीं भी बनानी, नहीं क्यों नहीं बनानी भाई, क्योंकि हर किसी के डिजायर नहीं होते हर किसी के डिजायर नहीं होते। अगर जिसको बनानी है, जिसको बनानी है उसको मैसेज देते हैं, जिसको बनानी है वो सिफतन से रब्ता करे, सिफतन की आईडी पे जाए इंस्टाग्राम, और मैं इनके अकाउंट्स को मेंशन भी कर दूंगी, तो आप वहां से जाके फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं इनको, और मेरे रेफरेंस से कम पैसों में आपको ये देंगे ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सर्विसेज देने के लिए मैं हाजिर हूँ, हाजिर है जी, लेकिन जी, आप जी। मेरे जितने क्लाइंट्स होंगे इनको डिस्काउंट देंगे। नो वरीज, नो वरीज। ओके, और अगर मैं खुद करूँ तो आपके लिए, बस आपने बोल दिया फ्री है, बस मेरा तो फ्री हो गया। बट बीइंग एज अ प्रोफेशनल आई नीड टू बी लॉयल विद माय वर्क। यार मैं एक बात कहूँ, मेरे शो पे जो जो जिस फील्ड से आते हैं मुझे बड़ी हंसी आती है ये बात बताते हुए। अगर कोई जिस भी फील्ड से, मीन्स उस दिन मेरे पास एक शो पे आए थे, वो लैपटॉप वगैरह बनाता है, उनकी अपनी शॉप है, तो मैंने उनको कहा RNN न्यूज़ के जितने ऑफिस में जो है ना देखे कोई लैपटॉप ख़राब है तो हमारे पास आया है, रिपेयर बना देगा। तो ऐसे ही आई मैंने सिप्तन को बोला, भाई मेरे जो रेफरेंस आएंगे उनको डिस्काउंट मिलेगा, मैं खुद जाऊँगी तो मेरा फ्री ऑन ईयर बोल दिया सिप्तन ने, अभी मुकरेगा नहीं। सही है, सही है, इट्स अ प्रूफ। ओके, अच्छा सिप्तन मुझे ये बताएं कि इतना टाइम लगा इस जर्नी तक पहुंचने में, अभी हेटर्स भी होंगे? हेटर्स डेफिनेटली, आपको जब 50 लोग सराहने वाले होते हैं तो उससे डबल जो होते हैं आपके ना जाने वाले होते हैं कि इस मकाम तक कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, हम क्यों नहीं पहुंचे। मगर मैं समझता हूँ कि आप डिजर्विंग तभी हो जब उस चीज़ के काबिल बन जाते हो। हेटर्स को क्या मैसेज देंगे? मेहनत करो, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका सबब बनाने वाला, अल्लाह ताला मंजिल आसान करने वाला है, माला करने वाला है, और इसी तरह मेहनत करते रहें गाइस, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। और मैं ये आजकल के जो लोग हैं एक से एक जो है आगे बढ़ने में लगे हुए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, गिरा कर एक दूसरे को धक्का देना कि भाई ये हमसे आगे ना चला जाए। वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा आपके नसीब में नहीं आ सकता, मेरे रब ने जो लिखा हुआ वही आप तक पहुँचेगा, बेशक, और आप उसके लिए मेहनत करें और अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला आपको देगा, नवाजेगा, बेशक। अच्छा सिप्तन मुझे ये बताओ, इंटरनेशनल टूर्स आपके कैसे रहे, वहाँ जब गए वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान में जो? ये बड़ा इंप्रेसिव क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि ये एक दुनिया बिल्कुल अलग ही माहौल होता है वहाँ पर जाके, आप एक इंटरनेशनल एथलीट से मिलते हैं और आपको पूरी दुनिया से वहाँ से सेलिब्रिटीज़ आए हुए होते हैं जो फिटनेस फील्ड से, ऑफ कोर्स मैं अपनी फील्ड के रिलेटेड बताऊंगा, तो वहाँ पे बहुत एक अमेजिंग एनवायरनमेंट होता है, और हम लोगों के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पे फीमेल एथलीट्स भी होती हैं, मेल एथलीट्स भी होते हैं, तो एक काफ़ी एक प्रोटोकॉल वाला और काफ़ी एक अच्छा एनवायरनमेंट होता लगता है। ये मैं ही हूँ, कभी हमें कुछ ऐसे इवेंट से बुलाया जाए ना तो ये मैं हूँ जितना प्रोटोकॉल मिल रहा है, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। तो पाकिस्तान के एक्सपीरियंस को अगर हम शेयर करें, मैच करें, तो क्या कहेंगे हमारे पाकिस्तान में किन किन फिटनेस के हिसाब से किन चीज़ों की कमी है अभी जो हम कर सकते हैं, जिस चीज़ की नीड है? सबसे पहले तो एक एक ही नीड है, हम लोग एक नहीं हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ, अगर हमारा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कराची से कोई ताल्लुक़ रखता है क्रिकेट की टीम की, मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि कोई अगर हमारा कराची का लड़का जीत जाएगा, वो बोलेगा भाई वो हमारा कराची का लड़का जीत जाएगा, जीत गया है, ठीक है।
ये कोई नहीं बोलेगा कि पाकिस्तानी हमारा जीता है, हमारे अंदर एक एक की कमी है। हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड जो है सिंध बॉडी बिल्डिंग WBPF, इतने इसमें इख्तलाफात हैं कि हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। यहीं बात करें हम इंडिया की टीम, बॉडी बिल्डिंग इंडिया बहुत आगे है, बहुत इंटरनेशनल इवेंट्स में आगे है। टीम इंडिया को छोड़ें, आप अफगानिस्तान की बॉडी बिल्डिंग की टीम उठा के देखेंगे, ईरान की उठा के देखेंगे, बहुत आगे हैं बॉडी बिल्डिंग में, फिटनेस में बहुत ज़्यादा इन हैं वो। हम लोग वहीं आज तक बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट है आपको? नहीं, गवर्नमेंट से किसी किस्म की सपोर्ट नहीं होती, बेसिकली हम अपने ओन पे कर रहे होते हैं सब कुछ। लेकिन मुझे चाहिए कि हमारे जिस तरह माशरे में देखा जाए हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है, ऐसा ही है। गवर्नमेंट सपोर्ट कोई भी नहीं मैं मिलता। मैं ये कहती हूँ कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के भी मैचेस होने चाहिए, एथलीट्स होने चाहिए आपके हवाले। यहाँ पे कुछ सतह पे हो रहे हैं बट वो बड़े मुख्तसर से लोगों को टारगेट हो रहे हैं, बाय सोर्स बाय रेफरेंस हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है मेरिट के ऊपर। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, इनफैक्ट है माशाल्लाह से हमारे जजेस बैठे हुए हैं वो ही प्रॉपर जजमेंट नहीं दे पाते, वही अपने ही सराउंडिंग के अपने ही लोगों को जितवाते हैं, इसी तरह से ये बॉडी बिल्डिंग चल रही है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, मैं वही कहती हूँ ना, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में मेरिट चीज आ जाए तो क्या बात हो जाएगी। हर इंसान जो टैलेंट है, पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है। अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल लेवल्स की, बाहर के मुल्कों की, तो हमारे अगर पाकिस्तान से कोई जाए तो उसकी टैलेंट की इतनी कदर की जाएगी, बिल्कुल हैरान होंगे। बहुत सराहते हैं वो, बहुत पाकिस्तानियों को आगे रखते हैं चीजों को, ये नहीं वहाँ पे डिवाइड वाला कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे हम लोग अपने आप में ही एक लेग पुलिंग पे लगे हुए हैं कि कोई कैसे आगे बढ़ सकता है, ये सिंधी है, ये महाजर है, ये पंजाबी, ये सराइकी, ये बलोच है, हम इसमें ही डिवाइड हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया, सिप्ट एंड फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान बस, आई जस्ट वांट टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, दैट्स इट। अच्छा, यू वांट टू बिकम बिजनेसमैन? आई एम ऑलरेडी इन, मेरे रेस्टोरेंट्स हैं, मेरे गारमेंट्स का काम है। ये चलो, अभी हमने काफ़ी जिम पे बात की, जी। काफ़ी हमने बॉडी पे बात की, काफ़ी हमने बात की कौन क्या करना चाहता है, कौन कैसे। अब जिसको जो करना है वो भाई आईडी दे दिया, मेंशन भी कर देंगे, आप जाएं कांटेक्ट करें और सर्विसेज लें। अब हम बात करते हैं बिजनेस पर, बिजनेस का शौक कैसे भाई एक वक्त में इतने सारे काम। बिजनेस का शौक इस तरह हुआ क्योंकि यहाँ पे एक फिटनेस कंसल्टेंट को एक मुख्तसर सा ये लफ्ज़ है मगर बहुत बड़ा है, क्योंकि जब आपको किसी को मशवरा देना होता है उसकी मेडिकल कंडीशन देखते हुए, उसकी गोल्स अचीव करवाने के लिए, तो ये एक सवाल बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि आपको उसकी कैलरीज, उसके डेफिसिट बताने हैं, उसको वेट गेन का बताना है, सब कुछ बताना है। मगर यहाँ तक ही ये चीज़ मुख्तसर है, यहाँ तक ही रह सकती है, क्योंकि आप जब कमा नहीं सकते इन चीज़ों से, क्योंकि ये अवेयरनेस लोगों के अंदर है नहीं, उसमें उनको पता ही नहीं फिटनेस कंसल्टेंट है क्या, ऐसा ही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे या तो डॉक्टर है या तो फिर कब्रिस्तान है, दो चीज़ें हैं। यहाँ पे फिटनेस कंसल्टेंट को पता ही नहीं है, लोगों ने जाने के मशवरा, यहाँ पे हमारे वही चलते हैं, भाई आपने इतना खाना है, इतना खाना है, तुमने इतना खाना है, तुमने इतना खाना है, कोई पीछे लॉजिक नहीं होती। तो एक कंसल्टेंट का शोबा जो है वो एक बड़ा, यहाँ पे पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है तो लोगों को पता ही नहीं है कुछ, तो इसलिए मैं अपना बिजनेस भी रन करता हूँ। अच्छा, एक मैं बात कहूँ, जिम इंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो इंसान खुद डाइट पे होता है उसका होटल है। हाँ, ये लोग मुझसे बहुत सवाल पूछते हैं कि यार आप अपने खुद डाइट का इतना ख्याल रखते हैं, अपने आप को खूबसूरत और आप हमें अनहेल्दी फूड खिलाते हैं। बेसिकली एक पूरी एक सर्कल चल रही है ना, मैं अगर अनहेल्दी फूड दे रहा हूँ तो फिर उनको फिट करवाने के लिए मैं टिप्स भी दे रहा हूँ, तो ये कारोबार है। अच्छा कारोबार है कि पहले आप खिलाते हैं खुद फिर उनको ठीक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस स्ट्रेटजी। क्या बात है। और गारमेंट्स का कैसे? गारमेंट का शौक ऐसा है कि मैं मुझे फिटनेस से रिलेटेड बिजनेस मिलता जुलता है। हाँ, फिटनेस से रिलेटेड मुझे जिम के अटायर पहनना बहुत पसंद है। ठीक है, तो मैंने यही सोचा कि मैं जो पहनता हूँ वो लोगों तक पहुँचा सकूँ, तो ये मेरी सोच थी, तो इस तरह से मैं जिम अटायर्स को लीड करता हूँ। अच्छा,
ओके हो गया भाई, ये बहुत अच्छी बात है, इतना सारा काम एक वक्त में करना ये भी बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है आपकी लाइफ बड़ी बिजी रहती होगी। ऐसे ही है। तो मैं सबसे पहले भाई थैंक यू करूंगी, शुक्रिया अदा करूंगी आप आए मेरे शो पर, तारा रारा के लिए टाइम निकाला आपने। नहीं, मैं बड़ा मशगूल हूँ, ममनून हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे याद किया और इस शो पे बुलाया। थैंक यू सो मच। शो है, जब आपका दिल करे आप आके बैठ सकते हैं। तो भाई ऐसी मेहनत करते रहें, और जो जो हमारे फैंस हैं वो ज़रूर ये शो देखिएगा, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स जो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकते हैं यंगस्टर्स अगर बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, करना चाहें। आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए, आप अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए, अल्लाह ताला खुद ही मामला आसान करता है। क्या मैसेज देंगे आप फैंस को, देखने वालों को? मैसेज ये है कि मैं इसमें दीनी एतबार से बहुत ज़्यादा आगे बात बढ़ाऊँगा। आप जब अल्लाह ताला पे एतमाद रख के किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं तो मेरा रब उसको दिलाता है, क्योंकि वो आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। ऐसा ही है। तो बस अपनी नमाज़ों का एहतमाम करें, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें और अल्लाह ताला पे यकीन रखें, हर मंजिल आसान हो जाएगी आपकी। क्या बहुत अच्छा मैसेज दिया। तो गाइस मैं भी ये कहूँगी कि मौला को याद किया करें, और ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान जो है कुछ 5 कहते हैं ना, एक नमाज में 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो हमें चाहिए पूरा दिन 1 से 1.5 घंटा लग जाता होगा नमाज में, तो हम दुनिया के लिए इतना टाइम निकालते हैं लेकिन बहुत कम मौला को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तो ज़रूरी है कि बहुत अच्छा मैसेज दिया है मेरे लिए। नमाजें जो हैं वो जवानी की अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, कि उसका जवान बंदा जो कि जिसके पास जवानी भी थी सब कुछ था मगर वो फिर भी सजदे में, वो मेरे रब को वो अदा बहुत पसंद है। क्या बात है, वो रातों की इबादत बहुत पसंद है मेरे रब को। क्या बात है। तो गाइस यंगस्टर्स भी हैं हमारे ऐसे, तो आप लोग कुछ सीखें, नमाज भी पढ़ें, अल्लाह को भी याद करें, अपने काम भी करें और मेहनत करते रहें, ऐसे ही इंशाल्लाह एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, जो जो कुछ करना चाहता है जायज़ वो मिल सकता है। तो ऐसे ही मेहनत करें, खुश रहें और खुश रहने दें, ये भी मैं कहूँगी, जो खुश है उसको खुश रहने दें और जो खुश नहीं है वो जो है अपनी खुशी का सबब इंसान खुद होता है, खुद खुश। बिल्कुल, आप जिम आए, अपना स्ट्रेस लेवल दूर करें, जस्ट गेट इनटू अ फिटनेस। भाई जिम जाएं आप, जिम से जो स्ट्रेस लेवल बिल्कुल दूर हो जाएगा, वीडियोस भी बनाएं, टिकटॉक्स भी बनाएं जो हमारे टिकटॉकर्स हैं, और बस ये मेरा मैसेज है आज का। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, नए टैलेंट के साथ, आपके अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।